हेलो फ्रेंड, जय माता दी। नव वर्ष आप सभी का मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियाँ आप सबके जीवन में लेके आए। आज हम आंवले की बर्फी बनाने चल रहे हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे बनता है। हमने आंवला लिया है, आंवले को प्रेशर कुकर में रख के 1 गिलास पानी डाला है और डाल के उसको प्रेशर कुकर की सीटी हमने 5 से 6 बार लगा ली है। 5 से 6 सीटी हमने लगा के प्रेशर कुकर को खोल के उसके बाद उसके सारे सीड्स को आंवले के निकाल के हम उसको मिक्सी के जार में थोड़ा ठंडा करके मैश कर लेंगे, उसकी प्यूरी बना लेंगे। उसके बाद उसको प्यूरी बनाने के बाद हम जितना आंवला लिए हैं उतनी ही मात्रा में हम चीनी लेंगे। दोनों को एक भाई तले की कढ़ाई लेके उसमें मिक्स करके उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम गैस के रखेंगे। ये दो इंग्रेडिएंट से बनने वाला बहुत ही लाजवाब आंवले की बर्फी की रेसिपी है, जो आप बनने के बाद देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होगी और बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है। देखिए, चीनी और आंवले की प्यूरी को दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेवर के लिए हम इलायची और कुछ भी डाल सकते हैं अच्छे से। सिनेमन चाहे चाहे तो ये छोटी इलायची, दोनों में से कुछ भी हम डाल सकते हैं। जो जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद इसको हम चलाते रहेंगे। हम तब तक चलाएंगे जब तक ये मिक्सर थोड़ा मेरा अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई छोड़ने ना लगे। इसमें कलर के लिए हम फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। आंवला हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता ही है, चाहे जिस रूप में हम इसका सेवन करें, लेकिन हमको आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ने लगा है और हम कैसे जानेंगे कि ये तैयार हो गया है, अभी हम आपको बताते हैं। आप थोड़ा सा मिक्सचर प्लेट में निकाल लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसको आप बॉल बना के चेक करिएगा। देखिए, हम ऐसे बॉल बनाते हैं और बॉल बन जाता है टाइट, तो जान लीजिए कि हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको थाली में हम घी लगा के प्रेस कर देंगे। उसके बाद ऐसे बर्फी मेरी बनके तैयार हो गई है। देखिए, खाइए, देखिए कितना अच्छा बना है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनी है। खाने में भी बहुत अच्छी होती है और देखने में तो भी अच्छा होता ही है। ये देखिए ऐसे बना है, आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए इन सर्दियों में, और बना के स्टोर कर सकते हैं गर्मियों के लिए भी। गर्मियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, पूरी देखने के लिए थैंक।